देहरादून में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर विपक्ष ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रेस वार्ता कर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर कई खड़े सवाल खड़े किए हैं। करण महारा ने कहा कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये समिट आयोजित कर रही है, जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस की तिवारी सरकार ने बिना समिट के ही राज्य में बड़े भारी उद्योग स्थापित कराए हैं। हालांकि अब अधिकांश उद्योग सरकार की नाकामियों के चलते बंद हो चुके हैं। करण महारा ने कहा कि राज्य में कोई निवेशक यहाँ निवेश क्यों करेगा, जब राज्य की सड़कें खराब है, अन्य राज्यों से यहाँ बिजली महंगी है, कानून व्यवस्था खराब है। इसके साथ ही करण महारा ने कहा कि सरकार एक तरफ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर रही है और निवेशकों को राज्य में ला रही है, तो दूसरी तरफ वो अपनी नाकामियों को छुपा रही है। लग रहा है कि ये अपनी नाकामियों को छिपाने भर का एक प्रयास है, क्योंकि जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट नरेंद्र तिवारी जी लाए, जिन्होंने पूरा बेस उत्तराखंड का बनाया, जिस उत्तराखंड की भूभाग को इंडस्ट्री विहीन कहा जाता था, उस भूभाग को 2002 में आने के बाद पंडित नरेंद्र तिवारी जी ने सिडकुलों की स्थापना करके एक बेस देने का काम किया। 2000 के आसपास इंडस्ट्रीज आई, 2003 में हमको विशेष आर्थिक पैकेज मिला जिसका लाभ उत्तराखंड को बहुत भारी संख्या में मिला, इन्वेस्टमेंट आए, लोगों को रोजगार मिले। पंडित नरेंद्र तिवारी ने 70% लोकल लोगों को रोजगार की बात भी कही, उसके लिए तैयारी करी, उसके लिए नियम बनाए।